और फिर योर ऑनर, जिस तरह एक बाज की तीखी नजर आसमान में उड़ती हुई फाख्ता को बेहाल कर देती है, उसी तरह मुजरिम ने अपने घर के मालिक की बेटी को काबू करके उसके जिस्म पर अपनी वहशियाना प्यास बुझाई और उसकी मासूमियत को गलीज कर दिया। और फिर जब गरीब पारों को हमल हो गया तो मुजरिम ने, जो उस वक्त जवानी के जोश जुनून में डूबा हुआ था, एक अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे ने एक जुर्म छुपाने के लिए दूसरा जुर्म कर डाला और अपने घर के मालिक की बेटी का खून कर डाला और उसकी लाश को ऐसी सफाई के साथ छुपा दिया गया कि बरसों तक उस जुर्म की बू तक ना आने दी। योर ऑनर, आज मैं इस राज को बेपर्दा करके उस जुर्म को अदालत के सामने रिश्ते जख्मों की तरह ताजा करके पेश करूंगा। मैं खूब जानता हूं यह शख्स जो मुजरिम के कटहरे में मौजूद है इस शहर की एक बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन कानून जुर्म को देखता इंसान को नहीं देखता। उसके सामने राजा और रंक, अमीर और गरीब, मालिक और गुलाम सब बराबर हैं। जुर्म संगीन है, सजा भी संगीन है। जुर्म कत्ल का है, सजा मौत है। कानून बेरहम होता है, लिहाजा रहम की कोई गुंजाइश नहीं। थैंक यू योर ऑनर। मुल्ज़िम को कुछ कहना हो तो मौका दिया जाता है। योर ऑनर, जिस अजीज को हम अपने बेटे के समान समझते आए हैं, जब वही हमें फांसी के फंदे पर लटकाने की फिक्र में है, तो सिवाय इसके हमारे पास और क्या चारा है कि हम यहां खामोश खड़े रहें। मुल्ज़िम की पैरवी के लिए कोई वकील हाजिर है? माँ, पापा को बाइज्जत घर वापस लाऊंगी, कसम खाती हूँ। होली बाइबल पर हाथ रख के कहिए, जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। आपका नाम? थॉमस वॉल्टर्स। पेशा? रिटायर्ड मेजर इंडियन आर्मी। मेजर टॉम वॉल्टर्स, आप इस तस्वीर को पहचानते हैं? जी, ये तस्वीर मैंने बनाई थी, अब 30-35 बरस हो गए। किसकी है? मेरा एक रिक्शा कूली था, उसका नाम माधव। माय गॉड, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, किसकी है? उसकी एक मंगेतर थी, ये उसकी तस्वीर है। नाम याद है आपको? जी, उसका नाम पारो था। मुझे कोई और सवाल नहीं पूछना, आप पूछना चाहें तो पूछ सकती। मुझे इनसे कुछ नहीं पूछना योर ऑनर। ताज्जुब है, कुछ पूछा ही नहीं। हैरत की बात है। मैं भी हैरान हूँ। क्रॉस एग्जामिनेशन तो होना चाहिए। इस तस्वीर में जो हार है इसे पहचानती? ये हार मेरे भाई माधो ने पारो को दिया था। क्या ये वही हार है? हाँ, वही हार है, पारो माधो लिखा है। मुलाहिजा फरमाइए योर ऑनर, ये तस्वीर वाला हार और ये असली हार एक ही है। हूबहू वही है। मुझे आगे इनसे कुछ नहीं पूछना, गवाह आपके हवाले। No questions. दूसरा गवाह भी खाली गया तो समझो चौधरी जनक सिंह भी गया। बेड़ा गर्क। जब आखिरी बार तुमने अपनी बेटी को देखा तो उस वक्त वो क्या कर रही थी? वो कोठी के अंदर गई थी जी। कोठी के अंदर और कौन था उस वक्त? बड़े सरकार थे और छोटे सरकार थे। बड़े सरकार कहाँ थे? बड़े सरकार नीचे शीशे वाले बरामदे में थे। और छोटे सरकार? अंदर होंगे कहीं, मैं क्या जानू जी। फिर क्या हुआ? फिर छोटे सरकार बड़े सरकार को रिक्शा में लेकर मोटरों के अड्डे छोड़ने चले गए थे जी। पारो बाहर आई? पारो नहीं आई। तुमने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई होगी? जी हाँ। योर ऑनर, यह है पुलिस स्टेशन की कंप्लेंट बुक, सन 1945,
जब सब कुछ उर्दू में लिखा जाता था। 20 अगस्त को कंप्लेन लिखाई गई। काफी दिनों तक तो यह दर्ज किया जाता रहा कि तहकीकात जारी है, यकायक तहकीकात बंद कर दी गई। दस्तखत सब इंस्पेक्टर जगत राम। योर ऑनर, तहकीकात क्यों बंद कर दी गई? इसका भी एक राज है जो अदालत के सामने जाहिर किया जाएगा।